हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रचा। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो यूपीएससी का जो है वो पेपर आज हो चुका है। पेपर वन जो है वो आपका जीएस का जो पेपर वन होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। सो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आज आपका पेपर हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी मेजर पोर्शंस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनसे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो अप्रोक्स 13 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से आए हुए हैं। सो आइए देखना चालू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 क्वेश्चन पेपर विथ आंसर प्लस डिटेल्ड एनालिसिस भी देखेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन भी करेंगे। सो जनरल स्टडीज पेपर वन है। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नेम है रिचा, प्लस भटनेर आईएएस में मैंने ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स एंड सीरीज जो है वो ऑलरेडी पढ़ाई हुई। देखिए, मैं ये तो नहीं आपको बताने बैठूंगी कि कितने क्वेश्चन, कितनी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, कितने उससे आई हैं। अगर आपने सभी ने मेरे करंट अफेयर्स वाले सारे वीडियोस देखे हुए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर सीरीज आपने हमारी कंप्लीट देखी हुई है तो उससे आपको क्वेश्चंस काफी सारे मिले होंगे, आपको हेल्प हुई होगी। अगर आप करंट के क्वेश्चंस की बात करें तो जो हमारा 1 ईयर का करंट सीरीज था, तो आपने अगर उसमें फोकस किया हो तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। आइए एक थोड़ा सी नजर डालते हैं कि आपके जो टोटल 100 क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स जनरल साइंस पेपर वन में, उसमें क्या मेजर क्वेश्चंस रहे हैं, किस तरीके से। तो अगर हम बात करें तो 1 से 10 क्वेश्चंस तक की, जो कि इकोनॉमी से क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमी के टीचर ने आपका ऑलरेडी जो है वो कवर कर दिया है क्वेश्चन पेपर। 11 to 20 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो पॉलिटी से आए हुए हैं। 21 से 30 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से आए हैं। 31 से 40 क्वेश्चन तक जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं। 41 से 50 क्वेश्चन जो है वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से आपके आए हैं। 51 से 60 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के हैं। अगेन 61 से 70 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके इकोनॉमी से आए हैं। ध्यान रखिएगा, ये हम सेट ए पेपर की बात करें, हमारे पास पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर था वो सेट ए था। वहीं 71 से 80 क्वेश्चन तक की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आए हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडेक्सेस वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह जो निकलती हैं वहां से आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। वहीं 81 से 90 क्वेश्चन जो है वो आपके ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और करेंट के ही आपको देखने को मिल जाएंगे। 91 से 97 तक आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन रहा है। अगेन 97 से 100 तक के आपके साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए इनको एक एक करके देखना है, स्टार्ट करते हैं। हमें जो है अपने इस सेक्शन को कवर करने, हमारे भटनेर आईएएस पे और भी टीचर जो है वो आपके इन पोर्शंस को कवर करेंगे। ये पोर्शन आपका जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर जो है वो वीडियो डल गया है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं, कुछ ही टाइम में आपका ये भी वीडियो डल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आया हुआ है आरोग्य सेतु से, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा। उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। बेसिकली ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आया है। अगर आप बात करें, यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है। अगर आपको ध्यान में हो तो हमने जो करेंट अफेयर्स स्टार्ट अपना जनवरी का करेंट अफेयर्स पढ़ाया था, सो बेसिकली ये जनवरी के करेंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक था आपका, बेसिकली पार्ट 1 वीडियो में ही मैंने कवर किया था, वहां से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया है। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी मैंने आपको वहीं पर बताया था कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो सोर्स कोड होते हैं उनको एक साथ वितरित किया जाता है सॉरी जो कि अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए बेसिकली ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं।
वही जो सोर्स कोड होते हैं ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं, जो कि ज्यादातर बेसिकली अगर बात करें तो जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता होते हैं वो कभी नहीं देखते। तो इस तरीके से कुछ चीजें रही। अगर हम बात करें कि 31 का जो करेक्ट आंसर क्या रहा, तो 31 में अगर बात करें तो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो आरोग्य सेतु भी बनाया गया था। जब COVID-19 का दौर आया तो COVID-19 के टाइम पीरियड में जो है वो आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया, जिसमें आप COVID-19 से रिलेटेड जो है जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आप जान सकते हैं। कोविन भी वैसे ही है। डिजी लॉकर के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सभी जो है ये एक तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल रूप में वर्क करते हैं। दीक्षा के बारे में भी हमने देखा था। तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सभी जो है वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए। इसी बेसिस पे जो है वो करेक्ट आंसर डी होता है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप करेक्ट आंसर की बात करें तो डी नंबर जो है करेक्ट आंसर मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का आपको देखने को मिलेगा। वेब एक्चुअल में ये 9.0 नहीं है, 3.0। तो वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, वेब 3.0 में संसार में ब्लॉक चेन आधारित सामाजिक जो है वो नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। सो इसमें आपको ये बताना है कि बेसिकली कौन से आंसर जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। सो उपयुक्त में से कौन सा सही है यही पूछा गया है। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली जो है वो डिजी लॉकर के सॉरी बेसिकली वेब 3.0 के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो वेब 3.0 के बारे में भी जो है हमने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपने क्लासेस के तहत देखी थी। अगर आप वेब 3.0 की बात करते हैं तो बेसिकली वेब 3.0 जो क्वेश्चन है ये आप के करंट प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन को लिंक करके जो है वो पूछा गया है। ब्लॉक 3.0 जो होता है ये बेसिकली एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट होता है, जो कि ब्लॉकचेन जो प्रौद्योगिकी होती है तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर ही जो है वो वेब 3.0 संचालित होता है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो जैसे आपको ध्यान में होगा जब हमने करंट अफेयर्स का सेक्शन पढ़ा था तो वेब 1.0 के बारे में भी जाना था एंड वेब 2.0 के बारे में भी जाना। और हमने ये कहा था कि वेब 1.0 एंड 2.0 जो है ये उन्नत रूप से जो है ऑलरेडी इनके संस्करण आ चुके हैं। वेब 3.0 अभी आया है, आपको ध्यान में हो तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि वेब 3.0 जो है ये अभी आया है, न्यू टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। जैसे वेब 1.0 है ये वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट है जिसका आविष्कार वेब 1.0 का 1989 में हुआ था। उसके बाद 1993 में ये काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और 1990 तक जो है चलता है। 1990 के दशक में जो है वो 2.0 आता है और अभी कुछ टाइम पहले ही जो है वो वेब 3.0 आता है। इसके महत्व वगैरह को हमने सारी चीजों को समझा, लेकिन वेब 3.0 प्रौद्योगिकी में जो है वो व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर ही नियंत्रित कर सकता है। जो उसके खुद के जो स्वयं के आंकड़े होते हैं उन पर जो है कोई भी व्यक्ति है वो नियंत्रित कर सकता है। वही वेब 3.0 जो होता है ये संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क भी हो सकते हैं। ये भी आपका एकदम करेक्ट है। प्लस वेब 3.0 किसी भी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से ही जो है वो परिचालित किया जाता है। तो अगर हम 32 क्वेश्चन नंबर की बात करें या ये कहें कि क्वेश्चन नंबर 2, सो बेसिकली इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो डी है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन जो थे वो एकदम करेक्ट थे, कोई प्रॉब्लम जो थी वो थी ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, जो कि 7 से पूछा गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो सॉफ्टवेयर यानी इसकी अगर सेवा के रूप में बात करें तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। सो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सास क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतराप्रस्थ की अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सास प्रयोक्ता जो भी हैं वो अपनी चल युक्तियों यानी मोबाइल डिवाइसेस जो भी होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस को हिंदी में चल युक्तियों बोला जाता है, के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं।
साथ ही आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल जो है वो सास के रूप है। तो अगर आपने आउटलुक के बारे में, याहू के बारे में, हॉटमेल के बारे में सुना होगा, तो ये जिस तरीके से वर्क करते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी एक तरीके का नेटवर्क है जो आपके कोई भी मैसेजेस वगैरह सेंड करने में जो है ये कार्य आते हैं। अब ये जो भी नेटवर्किंग होते हैं इन्हें हम अपने मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से आंकड़े जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी को भी अगर मेल वगैरह आपको सेंड करना होता है तो आप अपने मोबाइल फोन से ही बहुत ही आराम से कर सकते हैं ना। कोई भी आंकड़े वगैरह होते हैं, कोई भी चेंजेस करने हैं, मान लीजिए कि आपने एक मैसेज सेंड किया अपने दोस्त को, मेल में ही सेंड किया कि हम जो है वो 11 बजे मिल रहे हैं, आपको लगा कि कुछ आपको वर्क है या कुछ भी है, आपको चेंजेस करने हैं, आपको 12 बोलना है कि हम 11 AM नहीं, हम 12 PM पर मिलते हैं, तो आपने जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक तरीके का नेटवर्क है जिसे हम अपने मोबाइल से ही जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, सारे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और इसीलिए इसका डी नंबर जो है वो 1, 2 और 3 इसके जो है वो करेक्ट आंसर हो जाते हैं, वो इसी कारण से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बेसिकली बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। बी, कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। सी, कोई मिसाइल पृथ्वी के पारित किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। डी, कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसकी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संप्रेक्षित्र स्थापित करता है। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, कि क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है वो जनसंचार माध्यमों के बारे में पूछा गया है कि जनसंचार माध्यमों में जो बहुचर्चित हमारी प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली है उसका सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित ये कौन सा, जो बेसिकली 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो अगर हम ज्यादा करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर जो है वो हमारा ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो कोई भी मिसाइल है जब उसे पृथ्वी से पारित किया जाता है यानी लॉन्च किया जाता है, तो जो भी स्थिर कक्षा होती है, जैसे हम पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं ना कि कोई भी मिसाइल लॉन्च करने से पहले कि हमें पर्टिकुलरली जो है उसे किस कक्षा में बेसिकली लॉन्च करना है, किस कक्षा में स्थापित करना है, और वे पृथ्वी पर किस लक्ष्य के ऊपर जो है वो कक्षा को त्यागेगी, तो ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड होती है ऑलरेडी, और यही फैक्टर जो है वो आपका मैच करता है। तो 34 का जो है वो सी नंबर करें। क्यूबिट के बारे में पूछा गया था, सो क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक प्रसंग में होता है? क्लाउड सेवाओं में, क्वांटम संगणन में, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी में, या फिर बेतार संचार प्रौद्योगिकी में? क्वेश्चन नंबर 35, सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो अगर हम क्वांटम क्यूबिट की बात करें तो क्यूबिट जो होता है ये बेसिकली जो है वो क्वांटम कंप्यूटर से आधारित होता है। यानी कैसे, अगर हम बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग की अगर आप बात करें तो ये जो है यहाँ इसके बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही बड़ी, आज के टाइम पीरियड में क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी हो सकी जिस पर जो है वो क्वांटम कंप्यूटर भी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं उन्हीं को क्यूबिट्स बोला जाता है, तो जो क्वांटम कंप्यूटर है उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्वेबिट्स बोला जाता है। क्यूबिट्स का मीनिंग ये होता है कि ये जो है जो क्वांटम बिट्स होते हैं, तो बेसिकली क्वांटम बिट्स पर ही ये जो है डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो जो कंप्यूटर क्यूबिट्स होते हैं उनके माध्यम से हम किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाटा वगैरह अगर हमें स्टोर करना है तो हम बहुत ही आसानी से कोई भी डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली होती है क्यूबिट। अब क्यूबिट्स अगर बात करें कि ये संबंधित किससे होती हैं, तो दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियां जो होती हैं उनसे बेसिकली जो है ये संबंधित होती हैं क्यूबिट्स। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की।
निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। निकट परिपथ यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन, सेकंड रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, थर्ड बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। उपयुक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियां प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही पूछा गया है। तो 36 की अगर हम बात करें तो 36 में भी जो है संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, और उसी बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर हो जाता है, एक दो और तीन। प्रजैविकियों यानी प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। सेकंड, प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नली में नहीं पाए जाते। थर्ड, प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और तीन, डी दो और तीन। सो बेसिकली इनमें जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ए बी सी और डी में। सो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें कि 38 का बेसिकली कौन सा जो नंबर है जो करेक्ट है। सो 38 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी नंबर, एक और तीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया था कि बेसिकली जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। सो बेसिकली प्रोबायोटिक्स जो होते हैं या जो प्रजैविक होते हैं, प्रजैविक एक प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें जो जीवाणु और सूक्ष्म जीव जो है वो दोनों ही बेसिकली शामिल होते हैं। प्रोबायोटिक जो है ये विधि रूसी वैज्ञानिक बेसिकली इली मेंस्ट्रुकोक ने जो है वो 20वीं शताब्दी में इनके बारे में जो है वो बताया था। लेकिन आपको प्रोबायोटिक्स में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये एक प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं और जिनमें जीवाणु और सूक्ष्म जीव जो है वो दोनों ही पाए जाते हैं। इसमें प्रोजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में शामिल होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते, तो इसीलिए ये जो है ये सेकंड नंबर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। उसके अलावा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के बेसिस पे ही हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी करेक्ट है। सो इसमें बेसिकली जो है हमारा एक क्वेश्चन रह गया है 37 वाला, कोई बात नहीं उसे हम लास्ट स्लाइड में हमारी लगा हुआ है उसमें देख लेंगे। 39 क्या आया था? 39 जो है वो बेसिकली COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड आया। सो COVID-19 का दौर आया, COVID-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर आप सभी को याद हो तो हमने कोविड से रिलेटेड जितनी भी वैक्सीन्स थी उन सभी के बारे में डिस्कशन किया था अपने करंट अफेयर्स वाले सेशन में। ये बेसिकली क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से आया हुआ है। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविडशील्ड नामक बेसिकली COVID-19 वैक्सीन निर्मित की। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई। थर्ड, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 39 के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो है वो बी नंबर करेक्ट। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविड शील्ड नामक COVID-19 वैक्सीन निर्मित की। ये ऑप्शन बेसिकली करेक्ट नहीं है, उसके अलावा दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। अगर आपने करंट अफेयर्स वाली पूरी सीरीज देखी थी तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया एंड 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स वाली सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानी सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे?
जी ऑप्शन वन, जीपीएस और दिक संचालन यानी नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। सेकंड, विषुवतीय क्षेत्र में सुनामियां आ सकती हैं। थर्ड, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फोर्थ, पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। फिफ्थ, ग्रह के अधिकांश हिस्सों में दवाग्नियां घटित हो सकती हैं। सिक्स, उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। सेवन, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग यानी रेडियो संचार बाधित हो सकता है। सो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें जो है वो सी नंबर करेक्ट था, 13467। उसके अलावा फाइव ऑप्शन और टू ऑप्शन जो था वो बेसिकली सौर प्रज्वाल यानी जो सौर तूफान होता है उससे संबंधित अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, ये सही नहीं है, ये प्रभाव नहीं होगा। यानी जब भी अगर सौर तूफान या सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। वहीं ग्रह के अधिकांश हिस्सों में दावागनियां घटित हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। सो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 40 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जो 20 सेल्स होती हैं, 20 कोशिकाओं और बेसिकली टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। यानी यहाँ पे आपको 20 सेल्स के बारे में बताना है एंड टी सेल्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 97, वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्यूर्ज को यानी बेसिकली एलर्जनों से संरक्षित करती हैं। बी, वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। सी, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। डी, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। अगर हम बी सेल्स और टी सेल्स की बात करें कि बेसिकली बी सेल्स एंड टी सेल्स क्या कार्य करती हैं, तो जो बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं तो हमारे शरीरों में जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी रोग वगैरह होते हैं, तो उन रोगों से हमें जो है वो बी सेल्स और टी सेल्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, तो याद रखिएगा। और इसी बेसिस पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 97 है उसका डी नंबर जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परा सूक्ष्म कण यानी जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति के अस्तित्व में नहीं है। सेकंड, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परा सूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। थर्ड, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परा सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में है मनुष्य के लिए असुरक्षित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक। बी, केवल तीन। सी, एक और दो दोनों। जी, दो और तीन। सो बेसिकली ये भी क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से पूछा गया था और इसमें जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया था। जो परा सूक्ष्म कण होते हैं ये मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं, तो बेसिकली ये जो है ये प्रकृति में भी अस्तित्व में होते हैं और इसी कारण जो है ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और उसी बेसिस पे 98 का जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर होगा। अगर यहाँ पे परा सूक्ष्म कण जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति के अस्तित्व में भी है अगर ऐसा लिखा होता तो ये जो है ये बेसिकली करेक्ट हो जाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बार कोडिंग जिसका उपसाधन हो सकता है किसी पादप या प्रणाली की आयु का आकलन करने के लिए, या सेकंड, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, थर्ड, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्रणाली या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक। बी, केवल तीन। सी, एक और दो। डी, दो और तीन। सो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डीएनए बार कोडिंग के बारे में पूछा गया है। सो अगर हम डीएनए बार कोडिंग के बारे में बात करें तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्रणाली या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, ये चीज नहीं होती है डीएनए बार कोडिंग में।
तो डीएनए बारकोडिंग में होता क्या है, कोई भी जो पादप या फिर जो कोई भी प्राणी वगैरह होता है उसका एज वगैरह डिसाइड किया जाता है, एज का आकलन किया जाता है, और जो भी समान दिखने वाली जो प्रजातियां होती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, तो उनके बीच के डिफरेंस को जानने के लिए बेसिकली डीएनए बारकोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन और बचा है उसे भी देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार? 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 ओजोन, 4 सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किन की अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? ए एक दो और तीन, बी केवल 2 और 4, सी केवल 4, डी 1, 3 और 4। अगर हम 100 की बात करें तो इसमें जो है, अगर ये पूछा गया है कि किन गैसेस की अधिकता ज्यादा होगी तभी जो है वो अम्ल वर्षा होगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता हमारे एटमोस्फेयर में ज्यादा होगी तो ही जो है वो अम्ल वर्षा होगी, और उसी के बेसिस पे आपका 100 का जो है वो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। सो ये बेसिकली चीजें हैं। चलिए उसके बाद जो है वो 37 नंबर, सो 37 की बात करें कि 37 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, जैव परत यानी बायोफिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय बेसिकली अंतर रोगों पर बन सकती है। 3, जैव परत जो है वो खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण तत्वों पर बन सकती है। 3, जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 में जो है वो तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट बताए गए। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने देखे। अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आए हुए हैं। किसी भी चीज में कोई भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को।